हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है आमरस। ये आमरस झटपट बन जाता है, खाने में बहुत लाजवाब होता है। चाहे चने के दाल की पूड़ी के साथ खाइए, चाहे सिंपल पूड़ी के साथ खाइए। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए बड़े साइज़ का 3 पीस आम लिए हैं। ये 800 ग्राम आम है, 3 पाव से ज़्यादा आम है। इसको धो के 3 घंटे पहले पानी में भिगा दिए थे, जिससे कि आम की गर्मी निकल जाए। अगर ज़्यादा समय ना हो तो कम से कम आधा घंटा पानी में ज़रूर भिगाइएगा, इससे इसका गर्मी भी निकल जाएगा और बहुत टेस्टी आम खाने में होगा। चाहे इसका रस बनाइए, चाहे जूस बनाइए, जो भी बनाइए। अब आम को पानी से बाहर निकाल लिए। इसका जो चोपी वाला हिस्सा होता है, इस तरह से काट के हटा देंगे। अब आम को छील लेंगे। चाकू से झटपट आम छील के रेडी हो जाता है। मेहमान के आने पे भी इस तरह से आप आमरस बना के खिला सकते हैं, घर वालों को भी खिला सकते हैं। गर्मी के मौसम में आमरस ना खाएं तो क्या खाएं। हमारे यहाँ चने के दाल के पूड़ी के साथ आमरस बहुत पसंद करते हैं। यूपी में पके आम के साथ चने के दाल की पूड़ी खाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत जगह पे सादे पूड़ी के साथ भी खाते हैं, जिसे कि सुहारी कहते हैं। जिससे भी आप खाएंगे, बहुत लाजवाब बन के तैयार होता है। इस तरह से झटपट आम भी छील के रेडी हो जाता है। बहुत रसीला आम है। कोशिश करें कि ज़्यादा पल्प वाला ही आम लें, जो कि बहुत मीठा हो, तो उसका आमरस बहुत टेस्टी बनता है। आम को छीलने के बाद इस तरह से कट लगा लेते हैं और आसानी से आम कट के रेडी हो जाता है। देखिए, झटपट आम भी कट गया। इसी तरह 3 पीस को काट के हम रेडी कर लेंगे। कोशिश करें कि पतले गुठली वाला ही आम लें, जिसमें ज़्यादा गुठली होता है उस आम को ना लें। कोई भी आप मीठा आम ले सकते हैं, कई तरह का आम आता है। देखिए, इसका गुठली बहुत पतला है, इसमें पल्प ज़्यादा निकला हुआ है, इससे आमरस ज़्यादा बनेगा। कम आम में भी ज़्यादा आमरस बन के तैयार होता है। 3 पीस आम को हम काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसे एक पतीली में या बड़े बाउल में किसी चीज़ में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कोई गहरा सा बर्तन रहे, जिससे किसे हम ब्लेंड करें मथे, तो ये आसानी से मथ जाए और गिरे नहीं इधर उधर। बड़े बाउल में हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं कटे हुए आम को। अब इसमें चीनी डाल देते हैं। बड़े चम्मच से 4 चम्मच चीनी डालेंगे, क्योंकि ये आम तो खुद ही मीठा है, पका हुआ आम है, इसलिए चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 कप इसमें हम दूध डाल देते हैं, जिससे कि इसे मथने में बहुत आसानी होगा। आप चाहें तो पानी में भी आमरस को बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। या चाहें तो थोड़ा सा दूध पानी दोनों डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए, इसको हम मथ लेते हैं। बहुत आसानी से, जल्दी से ये फेट जाता है। आम रस में पानी या दूध जो भी डालें, थोड़ा ही डालें, ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो आम रस पतला हो जाएगा। इस तरह से देखिए, ये गाढ़ा गाढ़ा आम रस बन के तैयार हो गया है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से झटपट हेल्दी टेस्टी आम रस बन जाता है। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।